गुड मॉर्निंग गाइस, कविताज ऑथेंटिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप देखिए कि मैं अभी गेहूं धो रही हूं। तो गेहूं अभी धो के मैं सुखा रही हूं। मेरा आटा अभी ख़त्म होने वाला है, तो गेहूं अभी सुखाना पड़ेगा। अभी ठंड का मौसम है गाइस, तो एक दिन में तो गेहूं सूखता नहीं है, तो दो दिन मुझे अभी गेहूं सुखाने में टाइम लगेगा। तो गाइस, मैं अभी गेहूं धो लेती हूं और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में इसी तरह। हेलो गाइस, मैं अभी आप सब से बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको काम दिखाई, सबसे पहले मैं गेहूँ धो रही थी। तो गाइस, मेरा गेहूँ धोना कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और गेहूँ धोने के बाद नहा लिए, तो गाइस मुझे बहुत ही ठंड लग रहा है। तो देखिए, मैं नहाने के बाद भी स्वेटर पहन ली। तो आप सब सोचेंगे कि नहाई है कि नहीं। नहा लिए हैं गाइस, लेकिन ठंड लग रही थी इसलिए मैं स्वेटर पहन ली हूँ। और मुझे, जैसे कि आप सबको मैं कल बोली कि मुझे थोड़ा सर्दी लगा है, तो इसीलिए मुझे फेस भी थोड़ा डल दिख रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगा है। रात को मैं मेडिसिन लेके सोई थी तो मुझे रिलैक्स हो गया है, लेकिन गाइस मतलब फेस से पता चल रहा है। तो गाइस, मेरा नहाना कंप्लीट तो हो गया, अभी मैं चलती हूँ लंच करने। तो आज मेरा लंच में क्या है, तो चलिए गाइस मैं आप सबको दिखाती हूँ आज मेरा लंच में क्या है। तो देखिए गाइस, आज लंच में है ये बंधा गोभी का सब्जी। बंधा गोभी का सब्जी है और इसमें है टमाटर का चटनी और इसमें है दाल। तो गाइस, आज इतना ही है। तो गाइस, तो चलिए मैं अभी लंच कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। और गाइस, अगर बाहर से आपको आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो हल्ला कर रहे हैं, उसका पढ़ने का आवाज़ आ रहा है। तो ठीक है गाइस, मैं अभी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ गाइस। तो चलिए, मैं अभी रोटी बनाऊँगी, तो मेरे साथ आप भी चलिए रोटी बनाने। मेरे यहाँ करंट नहीं था तो इसीलिए मुझे लेट हो गया रोटी बनाने के लिए। तो अभी करंट आया है जस्ट, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी रोटी बना लेती हूँ। और मैं गाइस अकेले हूँ, मतलब अभी अकेले ही हूँ, तो सोच रही आप सबके साथ ही रोटी बनाती हूँ। तो इसीलिए, तो चलिए गाइस, आप सबके साथ मैं रोटी बना लेती हूँ, आप मेरे साथ कंपनी दीजिए, मैं आपके साथ रोटी बनाऊँगी। तो ठीक है, मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए गाइस, तो सबसे पहले आटा सान लेती हूँ मैं। आटा नहीं सानेंगे तो कैसे रोटी बनाएंगे? मैं तो पहले बोली आप सबसे कि रोटी बना लेती हूँ, तो पहले तो आटा सानना पड़ेगा, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। तो पहले मैं आटा सान लेती हूँ, उसके बाद जाके रोटी बनेगा। मुझे कोल्ड हो रखा है गाइस, इतना ज़्यादा जो दो दिन ठंड पड़ा था ना गाइस, आज थोड़ा कुछ कम है, तो आज अभी उतना ठंड नहीं लग रहा है। और दो दिन बहुत ज़्यादा ठंड था तो इससे मुझे कोल्ड हो चुका है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स है। रात को मैं मेडिसिन लेके सोई थी, तो आज अभी देखती हूँ, अगर ज़्यादा सर्दी से ख़राब लगे तो मेडिसिन लूँगी और नहीं तो आज नहीं लूँगी। आटा सानने में टाइम लग रहा है, आटा को जितना अच्छा से सान देंगे ना गाइस, तो रोटी उतना अच्छा बनेगा। देखते हैं कितना अच्छा रोटी बनता है, सान के
पहले आटा को सान लेते हैं। देखिए गाइस, मेरा आटा सानना कंप्लीट हो गया। अच्छे से मैं आटा को सान ली हूँ और अभी मैं लोइया बना लेती हूँ। और मैं लोइया बना के रोटी बनाती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। मैं पहले लोइया बना लेती हूँ, उसके बाद ही रोटी बनाती हूँ। मुझे ने तो अनुमान नहीं होता, कोई बड़ा हो जाता है कोई छोटा हो जाता है लोइया, इसीलिए मैं पहले बना लेती हूँ उसके बाद ही मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं लोइया बना ले रही हूँ, तो भी एक बलत छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक कर लेती हूँ उसको भी। आप सोचेंगे कि मैं बोली कि अकेले हूँ और इतना सारा आटा सांदी हूँ। गाइस अकेले नहीं हूँ, लेकिन अभी रसोई में अकेले हूँ ना, इसीलिए बोली कि आप सबका कंपनी चाहिए, क्योंकि अकेले बनाने का मन नहीं करता है ना, इसलिए आप सबके साथ बनाऊंगी तो मन लगे रहेगा बनाने में। तो इसलिए मैं अभी बना ले रही हूँ। अब ये देखिए लोइया बनाना मेरा कंप्लीट हो गया आप सबसे बात करते करते, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप सबके साथ ही बनाऊंगी। अकेले बनाऊंगी ना तो लगेगा कि मेरा कितना देर हो गया और मेरा रोटी बन ही नहीं रहा है, और देखिए आप सबके साथ बात करते करते मेरा कितना जल्दी लोइया बन के कम्प्लीट हो गया और पता भी नहीं चला। और अभी रोटी भी बन जाएगा आप सबसे बात करते करते। तो अभी रोटी बना लेती हूँ। देखिए गाइस, मैं अभी रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। और गाइस आप रोटी बनाने मतलब मेरा रोटी बनाना देख के इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा सब रोटी गोल नहीं होता है गाइस। आप सब बोलेंगे कि कैसे बना रही है, अच्छे से बनाने नहीं आता। तो गाइस खाने से मतलब है, मेरा सब रोटी गोल नहीं होता है, गोल हो या ऐसे भी हो खाना ही तो है। कोशिश मैं करती हूँ कि गोल हो जाए, लेकिन कोई कोई नहीं होता है। और क्या बोलेंगे, मैं तो बोलती हूँ सेकती हूँ, तो आप सब क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। मुझे हम अकेले बना लेते, कोई किसी को मतलब कोई होता है कि कोई बेलता है, फिर अकेले मैं अकेले बैठ के और ऐसे गैस नीचे रख के बैठ के मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। मुझे दो जन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आटा ये कर रहे थे तो शायद शाम हो गया ना गैस, तो शाम के वक्त शायद ठंडा से दिन में ठीक हो गया था, दिन को नहीं लग रहा था उतना सर्दी, और अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। शाम के वक्त कुछ भी चीज़ तो ज़्यादा होता है, अगर आपको फीवर रहेगा तो शाम के वक्त ज़्यादा फीवर भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए शायद सर्दी भी मेरा बढ़ गया है। तो इधर मेरा ज़्यादा रोटी काला हो गया है। मैं इसी तरह से रोटी बनाती हूँ, इसको भी बना लेती हूँ। आइए गाइस, आप सब भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मैं अभी डिनर कर लेती हूँ। और डिनर में आप देख सकते हैं कि बंधा गोभी का सब्जी और चटनी है। आप सोचेंगे कि सेम सब्जी है, क्योंकि गाइस लंच के समय ही मैं ज़्यादा करके सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे डिनर के समय बनाना ना पड़े, क्योंकि अभी तो गाइस ठंड का मौसम है तो सब्जी ख़राब नहीं होता है, तो इसीलिए मैं लंच के समय ही ज़्यादा करके बना देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे शाम के समय बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो उसी से अभी हम लोग लंच कर लेंगे, नहीं सॉरी गाइस डिनर कर लेंगे। तो चलिए गाइस, मैं अभी डिनर कर लेती हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।